हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज श्वेता। और आज का जो वीडियो होने वाला है वो हम मेकअप के बारे में ही है। बट बहुत टाइम लाइक ये होता है कि हमारा जो बेस मेकअप होता है वो हम अच्छे से नहीं कर पाते, जिसकी वजह से पूरा जो लुक होता है वो खराब हो जाता है। तो आज हम स्क्रैच से शुरू करेंगे, क्योंकि अभी फेस्टिव सीजन आने वाला है, करवा चौथ आने वाला है, दिवाली आने वाली है और बहुत सारी चीज़ें, भैया दूज, ये सारी चीज़ें आने वाली हैं। तो उसके लिए हमें बहुत सारे लाइक मेकअप टिप्स की ज़रूरत है। सो आज का जो वीडियो है, दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अबाउट बेस मेकअप, कि आपको बेस कैसे रेडी करना है अपना। दिस वीडियो इज गोइंग टू बी डिवाइडेड इन डिफरेंट पार्ट्स। फर्स्ट मैं जो अभी वीडियो शूट कर रही हूँ दैट इज अबाउट बेस मेकअप। फिर उसके बाद देर विल बी लाइक अनदर वीडियो एंड इन फ्रीक्वेंटली यू विल गेट ऑल दोज वीडियोज। देन माई नेक्स्ट वीडियो विल बी कमिंग अबाउट द कॉन्टोरिंग एंड ब्लशिंग, एंड द थर्ड वीडियो विल बी अबाउट द आई मेकअप लुक, एंड द फोर्थ मेकअप विल बी अबाउट द लिपस्टिक। सो दिस वीडियो इज अबाउट द बेस मेकअप। और बेस मेकअप का सबसे पहला रूल है, यू हैव टू क्लीन योर फेस प्रॉपरली, क्योंकि विदाउट क्लीनिंग द फेस को क्लीन किए बिना अगर आप कुछ भी स्टार्ट करते हैं तो वो डेफिनेटली स्टे नहीं करेगा, वो पैची हो जाएगा, ऑयली हो जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सबसे पहले अपना फेस प्रॉपरली क्लीन करें। सो बेस मेकअप के लिए सबसे पहले जो मैं यूज़ करती हूँ दैट इज़ द लिप बाम। मैं लैंजिन का, आप कोई भी लिप बाम यूज़ करें, लेकिन क्या होता है कि हमारे लिप्स यूजली, हम बहुत नॉर्मल टाइप के लोग हैं, वी आर नॉट इन टू मेकअप, कि हमारा या स्किन केयर इतने अच्छा रहता है, स्किन या लिप्स इतने अच्छे रहते हैं कि हमें ज़रूरत नहीं है। तो हमारे लिप्स हमेशा से लाइक थोड़े ड्राई रहते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मेकअप का रूल है कि आप सबसे पहले अपने लिप्स को मॉइस्चराइज कर दीजिए एंड देन यू स्टार्ट अदर प्रोसेस। देन माई सेकेंड इज लाइक जो गुलाब जल मैं यूज करती हूँ, दिस आई एम यूजिंग बेसिकली टू हाइड्रेट माई स्किन, क्योंकि हम आजकल जो होता है पॉल्यूशन और इन सब की वजह से बहुत ज्यादा स्किन डिहाइड्रेट हो जाती है। अगर आपका स्किन ऑयली है और आपको लगता है कि आपका स्किन डिहाइड्रेट नहीं है, तो ऐसा नहीं होता है। ऑयली और हाइड्रेशन इज अ लाइक डिफरेंट थिंग्स। तो मैं गुलाब जल से सबसे पहले अपना नेक और फेस को मॉइस्चराइज कर दूंगी और एक अच्छे से थोड़ा सा मसाज कर दूंगी, ताकि जो गुलाब जल है वो मेरी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए और एक नाइस सा लाइक जो सॉफ्ट टाइप का वो है, एक बेस बन जाए फॉर अदर प्रोडक्ट्स। सो बेस मेकअप का हमेशा थंब रूल इज मॉलिक्यूल्स वाइज पर जाना होता है, सबसे छोटे मॉलिक्यूल से फिर बड़े मॉलिक्यूल। तो सबसे छोटा मॉलिक्यूल इज गुलाब जल, जो कि वाटर बेस्ड होता है, तो वो आपको यूज करना है, आपकी स्किन में वो अंदर जाना चाहिए। देन यू हैव टू यूज सीरम। आई एम यूजिंग गार्नियर ब्राइट कंप्लीट 30x विटामिन सी सीरम। आप कोई भी प्रोडक्ट यूज करते, दिस इज कम्प्लीटली अप टू यू। दिस वीडियो इज नॉट अबाउट द प्रोडक्ट प्रमोशन और समथिंग लाइक दैट। ये बेसिकली टेक्निक के बारे में कि आपको कैसे यूज करना है। तो मैंने यहाँ पर अपने हाथ पे ये थोड़ा सा प्रोडक्ट लिया, इसको मैं अच्छे से वार्म अप करूंगी ताकि जो भी इसका इंग्रेडिएंट है वो एक्टिवेट हो जाए, एंड देन आई विल अप्लाई दिस ऑन माय टी जोन और जहां मेरे थोड़े पोर्स ज्यादा हैं वहां पर, एंड देन फिर उसके बाद चेहरे और नेक पर एक्टिवेट योर प्रोडक्ट एंड देन अप्लाई, मसाज इट प्रॉपरली। अभी ये सीरम से क्या होता है कि अच्छे से आपके चेहरे पे ग्लो आ जाता है। सी, ये ग्लो पहले नहीं था लेकिन अब ये आ गया है, और इसको अच्छे से मसाज करके ताकि पूरा प्रोडक्ट आपके अंदर चला जाए। बेसिकली क्या होता है, आप अपनी स्किन को एक हाइड्रेट करते हो और एक लेयर बनाते हो बेस मेकअप में, ताकि जो आप फाउंडेशन यूज करो या कुछ भी ऐसा, वो आपके स्किन के अंदर जाके आपके पोर्स को लॉक ना करे। तो लेयर्स का काम होता है बेस मेकअप का। थर्ड वन इज लाइक यू हैव टू अप्लाई मॉइस्चराइजर। आई एम गोइंग टू यूज दिस पॉन्ड्स का व्हाट इज दिस सुपर लाइट जेल ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर, क्योंकि मेरा कॉम्बिनेशन स्किन है, स्किन है, तो वो बहुत जल्दी लाइक थोड़े थोड़े टाइम पे वो यहाँ पे टी जोन एरिया पे ऑयली हो जाता है। तो मुझे थोड़ा सा ऑयल कंट्रोल भी करना होता है, और इसके लिए आई एम गोइंग टू यूज अगेन प्रोडक्ट। मैं अपने हाथ पर ये प्रोडक्ट लूंगी, अच्छे से इसको प्रोडक्ट को एक्टिवेट करूंगी एंड देन अप्लाई इट ऑन माय फेस।
सो मॉइस्चराइजर का भी काम यही होता है कि आपके जो फेस को अच्छे से वो मॉइस्चराइज करता है, हाइड्रेट करता है और लेयर बनाता है। लेकिन मेक श्योर कि जब भी आप मॉइस्चराइजर यूज करें तो वो अच्छे से आपके स्किन में चला जाए, बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन ना लगे। मेरा जो स्किन है जो पहले था उससे अभी स्किन काफ़ी हेल्दी और ग्लोई लग रहा है। तो दिस इज द लाइक टेक्निक, यू हैव टू यूज 3 प्रोडक्ट्स, फर्स्ट हाइड्रेट सीरम एंड देन मॉइस्चराइज योर स्किन, और फिर उसके बाद यूजुअली आपको 5 मिनट्स के लिए मॉइस्चराइजर के बाद रुकना चाहिए कि जो भी स्किन है वो मॉइस्चराइजर को एब्जॉर्ब कर ले, और उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पर जाओगे 5 मिनट्स बाद, क्योंकि पोर जो ओपन हुए थे आपने मसाज वसाज किया उसके जो पोर ओपन हुए थे वो क्लोज हो जाएं और आपकी स्किन एक अच्छे से लाइक कंडीशन में आ जाए टू अप्लाई फाउंडेशन। तो विल वेट फॉर 5 मिनट्स और 5 मिनट्स के बाद वी आर गोइंग टू अप्लाई फाउंडेशन। या माई नेक्स्ट प्रोडक्ट इज फाउंडेशन। दिस टाइम आई एम यूजिंग मेबलिन सुपर स्टे 24 आवर फाउंडेशन। सो इसका मैं ऑलरेडी मेबलिन का जो फिट मी फाउंडेशन है दैट आई हैव ऑलरेडी यूज्ड, और वो बहुत अच्छा था, बट एक मुझे फाउंडेशन ऐसा चाहिए था। और फेस्टिवल लुक्स में हमें क्या होता है कि सारे जो हमारे डिफेक्टिव एरियाज होते हैं उनको हाइड करना बहुत जरूरी होता है, तो ये इज अ फुल कवरेज और आई हैव ऑलरेडी यूज दिस प्रोडक्ट मैनी टाइम्स एंड दिस इज सच अ नाइस प्रोडक्ट फॉर फुल कवरेज। सो आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस ऑन माई हैंड, एक्टिवेट दिस एंड देन इसको डॉट डॉट्स में मैं अपने फेस पर लगा लूंगी। जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, अगर आपको मेरा शेड जानना है, सो माई शेड इज 128 वॉर्म न्यू। तो अगर आपको लगता है कि मेरा जो स्किन कलर है वो आपका भी है और इफ़ यू वॉन्ट टू मैच अप तो आप ये वाला शेड यूज कर सकते हैं। मेरे हिसाब से जो फाउंडेशन लेना चाहिए वो हमेशा थोड़ा एक लाइटर टोन में लेना चाहिए, क्योंकि आप चाहे कितना भी यूज कर लो, जैसे भी यूज कर लो, दैट प्रोडक्ट इज गोइंग टू ऑक्सीडाइज्ड। क्योंकि ऑक्सीडाइजेशन में क्या होता है कि जो भी प्रोडक्ट है ऑक्सीजन से वो थोड़ा सा ऑक्सीडाइज्ड होता है जब भी वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है। तो कोई भी आप प्रोडक्ट यूज करो, एनीथिंग, वो ऑक्सीडाइज्ड होगा, वो थोड़ा सा डार्कर शेड में जाएगा। तो अगर आप ऑलरेडी अपने सेम उसमें यूज करते हैं कलर में, सेम शेड में जाते हैं, तो वो आपको थोड़ी देर बाद एक डार्कर शेड देगा। लेकिन थोड़ा सा लाइटर में जाते हैं तो आपको फिर थोड़ी देर बाद क्या होता है, आपकी स्किन के वो टेक्सचर में वो चेंज हो जाता है। तो उसके लिए अभी आई एम यूजिंग दिस पैक ब्यूटी ब्लेंडर और मैं अच्छे से इसको अप्लाई कर लूंगी। सो आप देख रहे होंगे मेरा शेड अभी जो मैं ये अप्लाई कर रही हूँ ये थोड़ा सा लाइटर है, लेकिन दिस शेड इज गोइंग टू बी चेंज और ये मेरा जो स्किन टोन है वो उसके कलर में आ जाएगा। आई एम टेलिंग यू विद माई एक्सपीरियंस, ये हुआ है ऐसा, इसीलिए मैं बता रही हूँ, नहीं तो मैं नहीं बताती। ब्लेंडिंग इज द टेक्निक हेयर। अगर आप जितना अच्छे से फाउंडेशन को ब्लेंड करेंगे आपका बेस मेकअप उतना अच्छा लगेगा, और क्योंकि फिर वो पैची नहीं रहेगा अगर अच्छे से ब्लेंड करते हैं। फाउंडेशन अप्लाई हो चुका है और मेरा स्किन अभी भी लाइट ही फील कर रहा है। दैट इज द गुड थिंग अबाउट दिस फाउंडेशन कि आपको बिल्कुल भी हैवी फील नहीं होता है इस फाउंडेशन के साथ। तो या माई दिस इज ऑलरेडी डन। अभी मैं यूजुअली क्या करती हूँ, दिस इज माई टेक्निक, बहुत लोग अग्री नहीं करते हैं, बट माई टेक्निक इज आई ऑलवेज लाइक वन एवर आई अप्लाई फाउंडेशन मैं उसको एक सेट पाउडर, जो मेबलिन का मेरा सेट पाउडर है उससे मैं फेस को पूरा सेट कर देती हूँ, सो दैट कि अब वो मेरा जो भी फाउंडेशन है वो इधर से उधर ना जाए, वो एज इट इज रहे। तो बहुत हल्के से, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं, इट्स नॉट लाइक जैसे हम बेकिंग करते हैं उस टाइप से नहीं, बट हल्के से मैं ये सेट पाउडर अप्लाई कर लेती हूँ पूरी जगह पे, और जहां पर मेरा टी जोन जो एरिया है क्योंकि वो थोड़ा ज्यादा ऑयली है तो यहाँ पे मैं अच्छे से अप्लाई करती हूँ। सो या विद दिस स्टेप हमारा बेस मेकअप इज रेडी। अभी इसके बाद आपका जो भी मन हो, अगर कॉन्टोरिंग ब्लश आप पहले करते हो या आई मेकअप करते हो या लिप करते हो, दैट इज कम्प्लीटली अप टू यू। बेस मेकअप इज रेडी और आप देख सकते हैं स्किन अभी बहुत अच्छे से ये बेस मेकअप हो गया है, एकदम फ्लॉलेस लग रही है क्योंकि, और हाइड्रेटेड भी है एट द सेम टाइम, आपका स्किन ग्लो भी कर रहा है।
तो दिस इज़ द लाइक ऑल प्रोसेस फॉर द बेस मेकअप. प्लीज़ लेट मी नो आपको ये कैसा लगा वीडियो. इफ़ यू हैव सम टिप्स और इफ यू हैव सम क्वेश्चंस, यू कैन डेफिनेटली लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. और मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और कमेंट करते हैं. तो प्लीज़ ऐसा करते रहिए फॉर माई मोटिवेशन. थैंक यू वेरी मच. और नेक्स्ट वीडियो इज गोइंग टू बी अबाउट कॉन्टोरिंग एंड ब्लशिंग. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन गो एंड चेक आउट. मैं लिंक मेंशन कर दूंगी यहाँ पर, आपको स्क्रीन पे लिंक आ जाएगा. सो या थैंक यू वेरी मच. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय.